चीजें निशान ऐसे भी फरिश्ते हैं जो मैं खुदा तआला के हुक्म की आज भी पाबंदी कर रहे थे और मैं रब की ज़ात पाक ने उन्हें मुख्तलिफ उमूर तकसीम कर देते हैं मुख्तलिफ उन्होंने काम जिम्मे ला देते हैं और अपने काम को बाखूबी सर अंजाम देते हैं तो अरे मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के रोज़े अक़दस पे आज भी ऐसे फरिश्ते मुकर्रर हैं जेड़े दरूद सुनते और नूर के तश के चेंदे और मेरे मुस्तफा करीम की बारगाह नबूवत के अंदर पेश करते हैं अल्लाह अकबर ऐसे अंदाज में डाल असा पढ़ लेते हैं आका करीम की बात बारगाह तक फरिश्ते क्यों पूछे रहे इदा एक तरीका है इदा एक ढंग है इदा एक अंदाज है तारे में मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे साथी हैं जिन्होंने सैयदना हजरत अबू बकर सिद्दीक आप फरमाते हैं कि आका करीम अलैहि सलात व तस्लीम की मैयत कुर्बत और आका करीम की इत्तदा के अंदर नमाज अदा करे करे दे हासिल हालत नमाज के अंदर आका की जात के बाद जो है रकू के अंदर दाखिल की मान लगे रकू में शामिल की मान लगे और रकू के अंदर जो है आका की जात के बाद बजने लगे तो मेरे दिल में ख्याल आया कि मैं वुजू करें आप हमें जो ही मेरे दिल में ख्याल आया मैं वुजू करनी मैं कि जब तक वुजू हो सके ना नमाज पढ़ सके ना और नमाज किसी के ना आपने क्या किया आपने फरमाया पहले इवे करना वुजू करना के बाद इस नमाज पढ़ना सरकार की जात पाक मेरे हालत रकू के अंदर दाखिल कीते पे रकू के अंदर दाखिल थी ना चुके हैं कयाम छोड़ दे रकू में दाखिल कीते पे है तो ये तवज्जो पूरी हो आप फरमाते हैं कि जब तक वुजू हो सके ना तो नमाज कहना थी इवे करना पहले वजू करना और बाद के अंदर आका करीम के इत्तदा के अंदर नमाज अदा करना आप हमने के लिए मैं ही रुका भी जो बाहर दाखिल किया आज जब मैं बाहर किया ना मैं दिल के अंदर ख्याल किया वो मेरे पानी का सिस्टम ही में तक है कि मैं आज टैंकी भी उसी के टूटियां भी हो सन और मुख्तलि मसाजिद में आज भी तालाब पानी दे मौजूद है फरावानी ना आज भी पानी मौजूद है और खेत मिकदार आज भी पानी मुयसर दस्तियाब है मगर उम्मत पानी की किल्लत कितनी होती है कि चुष्ट के होते पहनना पड़ता है उठा रस्से छगड़े को दिया डोल लटकावड़े को दिया बल छिगड़ा को दिया बल पानी आंधा है इतना लाया पानी है आप समझे अगर इतनी देर तक मैं नमाज को बाहर ही हूं तो नमाज तो चले गई नमाज तो चली मुकम्मल थी वैसे और दुश्मना मुनाफिकी पूरा तो जबान में तो सी और मेरे ऊपर मुख्तलिफ किस्म की गिरफ्तारियां दे से तानाशाही करे से शिकवे करे से और मेरी जात को ते तंकीद का ते उग्र हत्या करे से कि सिद्दीक अकबर ऐसा जवाब है कि आका करीम अलैहि सलाम की हालत के नमाज दे ये नमाज छोड़ के चला गया है आप मेरे मेरे दिल के मुख्तलिफ सवाल उठ देते और बाहर खड़े आगे करते करम क्या मुनाफिकी को जवाब की मेरे साथ मुशरिकीन के सामने मैं अपनी भ्रांत का इजहार की मैं परेशान आपने फरमाया ही तजस्सुस से दाखिला आज मैं मस्जिद नबी के दरवाजे तक नहीं पहुंचा क्या भी है मेरे सामने एक ऐसा खूबसूरत चेहरा है जरा हसीनो जमील है मगर उनके हाथ के अंदर ना एक बहुत बड़ा टप है बहुत बड़ा परात है बहुत बड़ा तश्त है बहुत बड़ी देश है अल्लाह अकबर ना लाइट बंद कर दे माशाल्लाह मोबाइल माशाल्लाह मैं ठीक है मैं मॉल भी ढेर आ गए तो वो कंप्यूटर वाले को क्या होता ना उठा रहे तो वो कितने सारे मॉल भी बना दे वो क्योंकि वो सारा कंप्यूटर वायरस से पिया होता है और चलो कुछ मॉल भी निकल से वायरस घट पी रहे तो ही वजह से कहीं कंप्यूटर वाले को गए तो क्या सारे मॉल भी जाने इतना एक मॉल भी कड़ू भी थप्पा मॉल रहे बाहर ऐसे भी जरा महंगा मॉल भी हो ना वो बंदा कार पे ले बैठा था ढेर सारे मॉल भी एक मोबाइल है तो चलिए गया ना आजकल साइंसी दौर है और साइंटिफिक पीरियड है और बंदा इन अंदर क्या कुछ तरक्की नहीं कर सकता मगर अल्लाह करीम के प्यार महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे गुलाम सैयदना सिद्दीक अकबर फरमाते हैं मैं तेरे नमाज के बीच बात किया ना तो तजस्सुस से चम करे सा क्या आप मैंने जूई दरवाजे तक पहुंचा ना एक बड़ा खूबसूरत चेहरा सामने है और उन्होंने हाथ के अंदर एक तश आई देश आई आई परात आई आप मैंने उन्हें परात मेरे सामने रखा मगर उन परात में उतने ही कपड़ा है वो कपड़े के तले ना एक लोटा है सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह क्या है एक लोटा लोटा है
ਆਪਣੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਨਾ ਤੇ ਦੇਖੋ ਫਸੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਤੇ ਵਜ਼ੂ ਕਰੇ ਨੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਕੀ ਵਜ਼ੂ ਕਰੇ ਨੇ ਕਿ ਹਾਂ ਵਜ਼ੂ ਕਰੇ ਨਾ ਉਹਨੇ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਲੋਟੇ ਦੇ ਤੋਂ ਕਪੜਾ ਹਟਾਇਆ ਉਹ ਡੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਲੋਟਾ ਚਾਹਤਾ ਲੋਟਾ ਚਾਹ ਕੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤੋਂ ਵਜ਼ੂ ਕਰਾ ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਜ਼ੂ ਕੀਤਾ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਜ਼ੂ ਕੀਤਾ ਐਰ ਕੇ ਵਜ਼ੂ ਕੀਤਾ ਵਜ਼ੂ ਕਰੇ ਦੇ ਟਾਈਮ ਜਲਦੀ ਨਾ ਕੀਤਾ ਕਰੋ अगर आजा कोई खुश्क रह गया सूखा रह गया तो नहाना ही बेकार है नमाज पढ़ना ही बेकार है जब तक आजा ना देते पानी पूरा कहना वैसी आजा तब कहना किसे वक्त तक वजू नहीं किया और नमाज ही कहना किसी तो वजू करेंगे टाइम देते आसान तरीके से वजू का छोड़ा करो ताकि तुम्हारी मेहनत जाया ना बने ਤੁਹਾਡਾ ਆਮਣਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਬਾਤ ਕਰਕੇ ਕਬੂਲ ਕੀ ਮਨੇ ਸਜਦਾ ਟੁੱਟਾ ਹੋਇਆ ਬਾਅਦ ਤੁਰ ਖੁਦਾ ਕਬੂਲ ਲੈ ਲੈ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਵਾਸਤੇ ਸੈਯਦਨਾ ਹਜ਼ਰਤ ਇਮਾਮ ਅਲੀ ਮੁਕਾਮ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਦੀ ਜ਼ਬਾਤ ਮੁਬਾਰਕਾ ਆਪ ਜਿਹੜੇ ਮਸਜਿਦ ਪਾਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਸ਼ਰੀਫ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਐਸਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਹੀਂ ਚੋਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਆਪ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਕੀ ਕੋਨੇ ਵਜ਼ੂ ਵਿੱਚ ਕਰੇ ਮਗਰ ਕਿਉਂਕਿ ਬੁਢਾਪਾ ਹੈ ਜ਼ੈਫੀ ਹੈ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਆਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ मुबारक ने फरमाया आपने फरमाया तुसा क्या चाहते हो आपने फरमाया तुसा ज्यादा ही वे उमर है असा वजू करने है सारे वजू में जेडी कोई गलती होवे तुसा सारी इस्लाह कर आप फरमाने जेले आप की जात मुबारक ने आसान तरीके नाल वजू कीता ना ते बुजुर्ग आप की खिदमत में 10 बस्ता आज के दौरे आपने फरमाया गलती तुम्हारे कहना ही गलती मेरे से सुभान अल्लाह हुजूर समझावण का तरीका कैसा है मसला पकवान का तरीका कैसा है हत्ता के मसले तो आगाही देवण का तरीका कैसा है आपने फरमाया वजू का अदब भी बहाग लावे और मसला भी ज्ञात की बने और क्यामत तक वास्ते लोगों को पता चल बने जन छोटी उम्र वाला बड़ी उम्र वाले बंदे को कोई मसला दसना चाहे तो अदब को पहले पद उसे खातिर रखे ताकि कुरान मजीद की आयत का मिस्ताक बन बने उदो इला सबील रब्बिका बिल हिकमत वल मौइज़त हसना नसीहत जडणी कहीं को कीता करो हिकमत अमली नाल कीता करो ताकि दिल कहीं दा ना टूटे मसला ही पाक बने खुदा दी रहमत ही मिले सुभान अल्लाह आप में दिन मैं जुनी आप से सामने आयो तो आपने फरमाया तू सब वजू करे देवे मैं के हां वजू करे ना आपने लोटा चाटा और मेरे हाथ में तो पानी पड़ता शाही ने हदीस फरमाया है कि दुनिया के अंदर के वाहिद लोटा ही जिंदगी की इज्जत है सुभान अल्लाह के लोटे की इज्जत के लिए अल्लाह को अकबर हालांकि दुनिया में लोटे कहीं की इज्जत कहीं नहीं होती कि दुनिया जो वाहिद ही को लोटा है माशाल्लाह एक दफा बाद कोशिश करे ना शायद के तो सहारी थम बैठे हुए कुछ कुछ अपने दामन को वसी करो कुछ अपनी सोच को वसी करो कुछ अपने अकल या तनाव को वसी करो ये बाहर लोटा है जिनकी इज्जत है ये हालांकि लोटे की इज्जत है नहीं अगर ये जरा लोटा है कि तू इज्जत दीती गए है खुदा लेकिन आने वाला कौन है जिब्राइल और आया के ने कोले सैयदना हजरत सिद्दीक अकबर आप मेरे जिले आपके सामने आया ना आपने जन्नत का नूर का थाल चाहता और जन्नत की नूर का लोटा चाहता और उन देखो जन्नत का पानी भरा पानी भर के आपकी खिदमत खास की दा आप जरे वजू आसान तरीके नाल कीता ना तवज्जो आप हमने मैं नमाज में दाखिल किया कितना जित्थो नमाज छोड़ी हम मैं कुथाऊ शामिल किया और मैं तारे को पूछना चाहना तारी तवज्जो दा इम्तिहान है एक सौ सैयदना सिद्दीक अकबर ने नमाज छोड़ी की तो हालत रकू भी तो सरकार की जाति पाक रकू में दाखिल थींदे रहे आप उठाओ वापस लौटे हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर फरमाने वुजू कर भी तो वापस जो आयो जितो नमाज छोड़िया मो भाई शामिल सुभान अल्लाह आप फरमाने नमाज मुकम्मल की किया रकात कहनी पड़नी पड़ गई हत्ता के आका करीम जी ने सवाल फिर मैं भी आका करीम अलैहिस्सलाम की पाक बाका दे रंदे सलाम फेर चुके
पता चल गया आका दी जाते पाक ने रब दी इबादत को उठे ही रुकवा दिया। आका करीम दी जाते पाक दे प्यारे गुलाम सैयदना सिद्दीक अकबर फरमाते हैं असा जेले नमाज मुकम्मल की बस एक फर्क रह गया। क्या फरमाए? जेले नमाज बिच दाखिल थे हासे उमले सरकार दे पीछू खड़े हासे, मगर जेले सलाम फेरा हासे उमले तमाम मुक्तदियों दे पीछू खड़े हासे। आका करीम अलैहि सलाम की जाते पाक ने सलाम फेरा ना सरकार की जाते पाक ने नजर मुबारक करते इतने की था इन तरह की निगाह तब वक सैयदना सिद्दीक अकबर मौजूद कहना है आकत जाते पाक अपनी निगाह मुबारक को दूर किया और दूर करते डिठा सरकार की जाते पाक फरमाया सिद्दीक जी सोना आपने फरमाया कि ले दिया हमें मैं अपने दिल दिल के अंदर हसरत पैदा की थी कमाल है किया मैं हम कुछ दे मोहम्मद है आकत जाते पाक उन वेले हालत नमाज के अंदर दाखिल सरकार की जाते पाक उन वेले हालत नमाज में मौजूद है और सरकार की जाते पाक इमामत के फराइज सर अंजाम देते पिया आका करीम अलैहि की सलातीन की एक तदावे खरन वाले आका करीम के सहाबे कराम आज सहाबे कराम रिदवानुल्लाह है ताला ने मजमाई की जबात मुबारक में जो ऐसे सहाबी जितना सिद्दीक अकबर है आप हमें मैं पाक नबी की खिदमत में आज की या रसूल अल्लाह किया तो मैं हूं पूछा तो सन है तो सन रसूल ने किया दिया पाक नबी रहे सलाह सीख की जाते पाक ने फरमाया अगर तुसा ही वापस चले गए आवे और वापस नमाज के अंदर दाखिल थे वे तुसा ना सब किले गए आवे आपने फरमाया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुसा ही इरशाद फरमा रहे हो मैं किले गया हूं मेरे पाक नबी दी जाते पाक ने फरमाया मैं तेरे को सिर्फ कियो कुछ पूछना चाहना ए दसा देखो हुजूर कह करवाया सुभान अल्लाह अपनी जान छोड़वा मगर कोशिश यो करना मैं काके को आप दिता है मेजबान साहब नंबर का कहना है जेड़ा नंबर मेरे को आए मैं उन्होंने रबता किए उन्होंने अगले ना रबता किए कि त्रै रबते करते मैं दो दफा इतों लंघ गई आए हैं मेरे को नहीं पता भी मस्जिद अल्लाह सिंह का घर की हो बलो असंभाल में की आदत जितना दूध दिखता पिया हो वाली पता लग ये सारे बंदे जमा होने वाली पता लग में मगर मेरे ख्याल है तू सा हूं मेरे हाथ में मौत भी आ मैं ये समझाई भाई सारी काम के रख सा पर ये पता करने का संज्ञा भी था चलो कोई डर नहीं अगर तू सा लंगर दे टाइम देते या मैंने वाली जल्दी आ सबको वाली भी कबूल है असहियों पर चाहिए कि जरा लंगर हो अगर शाबा की सूरत पार्सल में बने वाली सुभान अल्लाह परात की सूरत में बने वाली सुभान अल्लाह अगर इवें सबको खिंडा के लिए चाहे तो संग लंगर कोशिश किया करो अगर लंगर खाने ले पहल किया करो तो संग फरमान सुनने ली पहल किया ताकि लंगर का हर वे पता खा लेते मगर ये आका करीम के जिक्र पाक दिया महफला हुकूम जिक्र मुबारक दिया मजलिसा ये कदा कदा किस्मत ना मिलते हैं इतु जगह नहीं बंदा आवे या कुरान घर के बंदी ये मोहम्मद का फरमान दे मेरे बाप नबी की बात बार जा बिचू जवाब मिला और फिर मैं वजू कह करें अब मैंने या रसूल अल्लाह वजू तो मैं कर दिदाई पर मेरे को पता है नहीं वजू करवाया है मेरे बाप नबी की रात पास में चलो ए दसो जेड़े पानी ना वजू कीते सुभान अल्लाह जेड़े पानी दे नाल वजू कीते वो कौन कीते अल्लाह अकबर आज भी मेरे ख्याल से घर का पानी में पता लग रहे अगर फिल्टर वाला पानी में वाली पता लग रहे देहात चले होंगे उतो ही पानी हो तो वाली पता लग रहे आपने मेरे काका मेरे ख्याल से नल के तो भरते हैं कोई पानी सुथरा हो तो वाल आपने काका पानी तो है पर घटाया पानी बल आपने काका ये पानी ना ना ढाता बड़ा प्यारा पानी है मगर मेरे ख्याल से सैयदना सिद्दीक अकबर ने आका के इत्तिफाक पर का तावीला का कहना कि क्या हुसैन आका करीम की बात पर गए को कुछ आज की दा सोना ना वुजू वाले का पता है वुजू कहें करवाए ना पानी का पता है पानी की खुदा है
जेडे पाक नबी दी दाते पाक ने फरमाया सिद्दी जी सुना आपने फरमाया मैं दसा वा कि पानी कित्थों दा कित्थों दा है तारे मेरे मुस्तफा करीम दी दाते पाक ने इरशाद फरमाया जदन तुहाडे वुज़ू विच आएगा शक फैसला करके दे
बेटी कहती है बेटा कहता है, लड़की कहती है लड़का कहता है। आपने फरमाया इन्हें करो जितने की वक्त मौजूद है दरबार उमर में उठो फैसला करो। एक शख्स आपकी खिदमत की उठा उन्हें आके हुजूर फैसला आसा करें हैं आप मैं क्या करे सो उन्हें कि इन्हें करने हैं असा भाव लेने हैं एक एक बच्चा करके बेच सकने हैं। माँ सामने खड़ी हो सी जिन्हें बच्चा हो सी जल्दी ना लो काबू कर गई सी पता लग सी ये बच्चा होता है। आपने फरमाया दीन मोहम्मद की इजाजत कैसा अपने बच्चों को आगे बेच पाऊँ ऐसा तरीका यहूद का है ऐसा तरीका हिंदुओं का है ऐसा तरीका गैरों का है कि वो जींदे होने वाले भी सर दें हर महीने सवाल भी सर दें असा चाहते हैं सारा बच्चा इन दुनिया के चढ़न भी बढ़िया ना इन हालत ना होने बल्कि मोहम्मद का गुलाम शख्स ने आपके बारगाह के अंदर इंडिया मशवरा दिता ना कि परेशानी तो निकल सू पर मसला कि आपने फरमा करूँ तो करूँ क्या अजा ये फैसला किया ही गया और इन फैसले को गुजरते हैं त्रय तीन अरसा गुजर चुका आपकी खिदमत के अंदर सैयदी हजरत अली और मुर्तजा मौजूद कहना है। आज भी सीरत ने मुताले करो हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु के दौर खिलाफत में जड़े जज दे उमूर सर अंजाम देते हैं तो सैयदी हजरत मौला ने मुश्किल कुशा हैं सुभान अल्लाह हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु के दौर खिलाफत में भी जज मौला ने मुश्किल कुशा हैं हजरत सैयदी उस्मान गनी के दौर खिलाफत में भी जज मौला ने मुश्किल कुशा है। उस्मान गनी के दौर खिलाफत की फैसला अली कर दे उमर सैयद के दौर खिलाफत की फैसला अली कर दे और हजरत अबू बकर सिद्दीक के दौर खिलाफत की फैसला मौला अली कर दे मेरे ख्याल है फैसला करवीला ही को ले जिन बंदा राजी हो ढेर सारे मसले शरीक अगर दरपेश हो में तो मैं जनाब की खिदमत निको या नुकता लेके अगर लग गया आज भी अगर कोई बंदा आप देवे उन्हें को बेहतर कोई ना जानता है मैं जनाब की खिदमत सिर्फ एक कुछ करना चाहना आगा करीम की जाते बात सैयदी मौला की मुश्किल को याद होने के खेलते हैं और खेलते हैं आगा करीम का जाहिर बंदा दिया हजरत सैयदना आप अबू बकर सिद्दीक आगा करीम के बजाय पत्ता करने के बाद आपकी मुस्कुराहट खत्म की गई आपका खिलना खत्म की गया यार ना होवे ते खिले के महबूब ना होवे ते बल मुस्के के ना नबी ना होवे ते बल उम्मत को खुशी होवे अत्ता के हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक एक दिन आरा हजरत सैयदी मौला अली सरकार का चेहरा देख के मुस्कुरा पे अली और मुर्तजा सिंह आप फरमाने के लिए आपकी मुस्कुराहट मीठो ना मैं आपकी खिदमत आज की तरह हुजूर का सौदा यही मुस्कुराई की हुई रहे आपने फरमाया तो हाँ शान का एक जुमला नबी सिंह की जात पाक को सुना वो दिमाग जुआए ना खेल अल्लाह अकबर मेरे ख्याल से सज्जन को देख के सज्जन खुश थी दुश्मन को देख के दुश्मन का साड़ी बहला होंगे अगर दिल सिद्दीक दे विच मोहब्बत आई ना सरकार को देख के आपकी मुस्कुराहट जारी की गई आई पता चल गया अदावत आपकी जात पे सहाबा इकराम आपस में चीने हैं रोहा माँ वो बहन हो अल्लाह अकबर आपस में चीने हैं कि मैं शीर शक्कर सैयदना हजरत अली और मुर्तजा आप मौजूद कहना है हजरत सैयदना अली और मुर्तजा रजी अल्लाह तआला अन्हु से हजरत उमर बिन खत्ताब की अदालत त्रय भर के बाद आखिर वापस पहुंचे ना तो पूरी अदालत परेशान आई मगमूम आई आपने जल्दी उन्होंने परेशानी की कैफियत दी थी आप उन्होंने पूछा खैर था इतने परेशान